हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक खूबसूरत शहर टनकपुर के बारे में। यह शहर उत्तराखंड के चंपावत जिले का एक मुख्य शहर है, जो समुद्र तल से 255 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। और 2011 के सर्वे के अनुसार यहाँ की आबादी करीब 2 लाख थी, और उसके बाद पहाड़ों से पलायन होने की वजह से अभी आबादी करीब करीब 4 लाख के ऊपर इस शहर की पहुँच चुकी है। यह खूबसूरत शहर शारदा नदी के किनारे बसा हुआ है और नेपाल बॉर्डर पर बसा हुआ शहर है, और जिसके लिए और एक तरफ से पहाड़, एक तरफ से नेपाल और एक तरफ से आपका उत्तर प्रदेश से लगा हुआ शहर है। और यहाँ पर इसलिए व्यावसायिक गतिविधियों के लिए यह शहर काफ़ी मुफीद है, और पहले के ज़माने में भी यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ हुआ करती थी। जैसे ब्रह्मदेव मंडी में नमक का बहुत सारा व्यापार होता था, नमक, हल्दी और घी का व्यापार होता था। अभी भी पहाड़ की लाइफ लाइन माने जाने वाले इस शहर के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप ना करें। टनकपुर शहर को पूर्णागिरी का मुख्य प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और यह शहर 3 मायनों से काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ से श्री पूर्णागिरी माँ का मंदिर करीब 30 किलोमीटर दूरी पर है, और मेरे पीछे आप देखिए यह है NHPC डैम, जिसमें करीब 170 मेगावाट बिजली हर महीने पैदा होती है। और इस परियोजना का लाभ भारत और नेपाल दोनों देश उठाते हैं। और इसके सामने एक नहर बनी हुई है, और ये नहर एक नेपाल की तरफ गई हुई है। नेपाल को सिंचाई के काम आती है, नेपाल की जो ज़मीनों को हैं उनको सिंचाई के काम आती है। इस टनकपुर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये पहाड़ की तलहटी पर तराई भाबर पर बसा हुआ शहर है, और जो भी पहाड़ की गतिविधियां हैं या भवन निर्माण सामग्री होगी, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी चीज़ें, यही शहर इन चीज़ों को उपलब्ध कराता है। और यहाँ पे इस शहर को टनकपुर मंडी इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे सामने नेपाल है, यहाँ पे नमक और चीनी का एक्सपोर्ट बहुत होता था। यहाँ से माँ पूर्णागिरी मंदिर मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर है, जो 21 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। और यहाँ पर मार्च से लगने वाले मेले पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ एक देखते ही बनती है। मां के जयकारों से यह शहर गूंजता रहता है। अगर आप जंगल सफारी करना चाहते हैं तो यहां पर नंदौर अभयारण्य आपका स्वागत करता है। और आप मोटो पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं तो आपको मोटो पैराग्लाइडिंग भी यहां पर नवंबर दिसंबर से लेकर मई तक आपको इसकी भी सुविधा आपको मिल जाएगी। घूमने लायक खूबसूरत शहर है, जिससे आप यहाँ की जो वैलीज़ हैं इनका आनंद ले सकते हैं। टनकपुर ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप नेपाल की तरफ जाते हैं, यहाँ पे आप खूबसूरत वैलीज देखते हैं, और नेपाल ब्रह्मदेव मंदिर की तरफ आप जाते हैं। और यह शारदा स्नान घाट है, श्रद्धालु पूर्णागिरी से आने के पश्चात यहाँ पर स्नान करते हैं, उसके बाद आप ब्रह्मदेव मंडी की तरफ जाते हैं जहाँ सिद्ध बाबा का दर्शन करते हैं। ये खूबसूरत वैलीज आपका वहाँ पर स्वागत करती हैं, और उसके बाद आप पहुँचते हैं ब्रह्मदेव मंडी जो है, जहाँ पर बाबा सिद्धनाथ के दर्शन आप करते हैं, और ये खूबसूरत वैली आपको दिखेगी यहाँ पर। यहाँ से बाबा सिद्धनाथ मंदिर करीब 3 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ पर आप जाते हैं ब्रह्मदेव मंडी पहुँचते हैं, और वहाँ पर आप बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करते हैं। और ये छोटी छोटी मार्केट और छोटे छोटे होटल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, और आप यहाँ पर आके दर्शन करते हैं। छोटा सा शहर है और खूबसूरत सा शहर है, और यह है बाबा सिद्धनाथ मंदिर, और यहाँ आप दर्शन करते हैं। खूबसूरत सा ही मंदिर है यहाँ पे, और हरे भरे पेड़ों की छांव में मंदिर है। यहाँ पे आप धोने पे प्रसाद ले सकते हैं और विभूति लगा सकते हैं, और उसके पश्चात आप यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। धर्मशाले भी यहाँ पे बनाए गए हैं। उसके बाद आप देखते हैं ये प्राचीन कुआं, जो काफ़ी पुराना है। टनकपुर आने के लिए आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, जो आप दिल्ली, मथुरा और बरेली से कई जगह से संचालित होती है, और बाई बस भी यहाँ से आप आ सकते हैं। पूरे देश से कई बसें यहाँ आने के लिए लगातार कई स्टेशनों पर रहती हैं। और यहाँ के अगल बगल के खूबसूरत स्थल जैसे बूम, श्यामला ताल और रीठा साहिब और नाना मता साहिब हैं, यहाँ पर आप आकर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो, ये छोटा सा वीडियो अबाउट टनकपुर के बारे में? और वीडियो पे कुछ भी आपको अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे एक कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट हमें काफ़ी हौसला देता है। और चैनल पर नहीं आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए
जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।